फिल्म के एंड में, फिल्म के लास्ट सीन में, वो जब अपनी बेटी को देख रहा है एंड देन वन अदर बॉय कम्स देयर नेक्स्ट टू हिम, आई थिंक दैट सीन इज डन ब्रिलियंटली. यू नो वो कहता है ये लड़का का कॉट हमारी लड़की हमारी बेटी के पास क्यों है. देन ही टेल्स हिज वाइफ कि तुम इन लड़कों को नहीं जानती. वो पैदा होते ही लड़कियों पे लाइन मारना शुरू करते हैं. एंड देन आफ्टर अ व्हाइल ही सेज अगर यस है तो इसकी माँ कैसे होगी. सो इट्स इट वाज रियली दैट होल सीन ही डिड रियली फनीली. सो आई थिंक दीज आर द थ्री really really funny moments of Saif and Humtum. There were many more but these are three I really enjoyed. Hey, ये लड़का कौन है? और इसका कॉट हमारी बेटी के पास क्यों है? ओफो करण, वो अभी अभी तो पैदा हुआ है. रिया तुम इन लड़कों को नहीं जानती. पैदा होते ही जहाँ खूबसूरत लड़की देखी तो लाइन मारना शुरू कर देते. देखा देखा अपनी बच्चों की भाषा में मेरी बेटी को बुला रहे. ये ऐसा है तो इसकी माँ कैसी होगी? Excuse me, तुमने इसकी माँ को कब देखा? It's a joke. हाँ? I just must. तुमने इसकी माँ को कब देखा? No, I won't. हाँ? I didn't see your baby. Excuse me. No, I'm. Oh God. No. तुमने इसकी माँ को कब? मैंने I saw उसके बाप को देखा बाप की तरह. तुम्हें लगता तो मैंने सोचा माँ की तरह. I'm sorry. Three best scenes of Rani and Saif in Hum Tum. One, I mean, the best scene has to be outside the church after Jimmy and Isha get married, and they've slept together the night before. And when Rani is waiting for Saif to say something, and Saif is waiting for Rani to say something, and finally Saif says, "I'm sorry." And I think that scene was the defining moment and the defining scene of Hum Tum. तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो करण? मुझे गलत मत समझो रिया. मैं गलत तुम मुझे समझ रहे हो क्या? तुम्हें लगा जो हुआ वो गलत हुआ? हाँ रिया, मुझसे गलती हुई. तो फिर हमें एक और गलती नहीं करनी चाहिए करण. गलत वजह से शादी करके हमें एक और गलती नहीं करनी चाहिए. रिया मुझे गलत नहीं कर, बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. और कुछ कहने की जरूरत नहीं. The other scene that was really good, which won the Filmfare Best Scene of the Year award, was the arranged marriage scene. The Saif रानी के घर पे आता है रात को एंड दे प्रिटेंड लाइक दे हैविंग एन अरेंज मैरिज. वो सीन के पीछे राज ये है कि जब मैंने वो सीन लिखा और मैंने आदि को नेक्स्ट डे ऑफिस में सुनाया तो आदि ने कहा कि मुझे नहीं पता इस फिल्म में कौन होने वाला है लेकिन ये फिल्म बनेगी ज़रूर. आई विल डेफिनेटली मेक दिस फिल्म. दिस सीन इज सो गुड. आई हैव टू मेक दिस फिल्म. देयर इज समथिंग गोइंग राइट विद दिस फिल्म. क्या पूछे? पेरिस के बाद क्या तुम बॉम्बे में मेरे साथ एडजस्ट कर पाओगी? शहर के साथ एडजस्ट करने से ज्यादा जरूरी है लोगों के साथ एडजस्ट करना. और अगर दो लोग आपस में खुश हैं तो बॉम्बे और पेरिस क्या फर्क पड़ता है? 10/10, that's a perfect answer. Thank you. और शादी के बाद तुम काम भी करोगी? क्यों? तुम नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद काम करूं? नहीं नहीं यार, I mean, I think it's great. मुझे लगता है हर औरत को काम करना चाहिए और सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि सीरियसली तुम्हारी तरह. रियली? No, that's a perfect answer. 10/10. Thank you. और बच्चों के बारे में क्या? क्या बच्चों के बारे में? नहीं नहीं तुम नहीं, तुम मुझसे नहीं पूछने वाली कि क्या मुझे बच्चे पसंद हैं. हाँ हाँ, तो क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? बेहद. मुझे सबसे पहले एक लड़की चाहिए, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट तुम्हारी तरह. मैं बहुत अच्छा डैडी बनूंगा. अगर मेरे जैसा कोई भी लड़का उसके सामने आएगा तो उसके टांगे तोड़ दूंगा आराम से. और तुम्हें लगता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम एक अच्छे पिता कहलाओगे? देखो तुम इतनी अच्छी माँ होगी कि अगर मैं बच्चों को थोड़ा बिगाड़ भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो सारी मेहनत मैं करूं और सारे मजे तुम लूटो? हाँ, देखो मेरी नजर से देखो तो कमाल की शादी है हमारी. बस इस फैमिली फोटो को कंप्लीट करने के लिए हमें एक छोटा सा कुत्ता रखना चाहिए और हम उसको टॉमी बुलाएंगे. काफी बकवास सा नाम है. अच्छा चलो ठीक है टॉमी, लेकिन एक शर्त पर. टॉमी की शहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, मैं ये सब नहीं कर सकता. डन. मैं सिर्फ खाने के टेबल पर बैठकर अपने प्लेट से उसे हड्डियां खिलाऊंगा कि ले टॉमी खा, ले टॉमी खा. दैट्स ऑल आई एम गोना डू.
तो शादी के बाद तुम बच्चे टॉमी को बिगाड़ने के अलावा और क्या करोगे? और करने को है क्या? मैं बस मजे से आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा अपने बच्चों और टॉमी के साथ, और हाँ तुम्हारे साथ भी। सॉरी, तो मैं बच्चे टॉमी के बाद आती हूँ। नो नो, दैट वाज अ मिस्टेक। तुम्हारे साथ? तो मैं बच्चे और टॉमी के बाद आती हूँ। नो रिया, दैट वाज, आई एम सॉरी। अगर तुमने मेरा नाम बच्चे और टॉमी के बाद लिया तो मैं तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े करके उसी टॉमी को खिला दूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, आई एम सॉरी। आज के बाद बच्चे और टॉमी बाद में, मैं सबसे ज्यादा और हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। देखा, ये अरेंज मैरिज के बारे में बात करना कितना आसान है। हमारी और मुर्शादी हो गई थी। And the other scene that I liked a lot in the film was when Rishi Kapoor comes to the house and tells Saif that har baap ki ye khwahish hoti hai ki uska beta uske jaise ho, lekin main duniya ka pehla baap hunga jo roz ye prarthna karta hai ki mera beta mujh jaisa bilkul na ho. I think that was an incredible scene. Har baap ki khwahish hoti hai ki uska beta usi ki tarah ho, lekin main duniya ka pehla baap hunga jo har roz yahi dua karta hai कि मेरा बेटा मुझसे से बिल्कुल ना हो। तुम्हें देखकर मुझे कभी एहसास होता है कि कहीं मैंने अपनी नाकामयाबियां तुम्हें विरासत में नहीं देती, कहीं मेरी वजह से तुम इन रिश्तों पर विश्वास ही ना हो। कि जब मैं रिया को देखता हूं तो मेरा डर निकल जाता है। मुझे लगता है कि वही मेरे बेटे को मेरी परछाइयों से अलग कर देगी। कल पेरिस में रिया का टेलीफोन आया और उसने कहा कि वो हमेशा के लिए जा रही है, और उसने और कुछ नहीं कहा, और मैं सब समझ गया कि आखिर तू मेरा ही बेटा निकला। इस तरह एक लड़की का प्यार भरा दिल और कोई नहीं तोड़ सकता। थ्री रीजंस व्हाई फना आफ्टर हम तुम। फर्स्ट रीजन, आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग दैट वॉज अवे फ्रॉम हम तुम। I didn't want to repeat myself, because if I went into that, I would always fall victim to being compared with Hum Tum. So, and I knew it was very difficult level to match even by myself. Second reason why फना after हम तुम, जब मैंने फना की कहानी सुनी तो मैं completely bold over हो गया। इससे अरे बाप रे, ये क्या कहानी है, ये तो मुझे बनानी है। हम से दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में पना चांद से बारिश जो करता हमारी बेटा वो तुमको बता शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। Third reason, Amir Kajal. They can be first, they can be Amir Kajal, come on. Though they happened after I decided to take over the script of Fana and make it myself. But, well, that's a huge reason to make a film. La 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 la. Thank you.
तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।